हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, हम पाइथन प्रोग्राम्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो है लगभग कई सारे प्रोग्राम्स कवर कर लिए हैं बेसिक से लेकर के। अब हम लोग जो है प्रोग्राम की सीरीज जो डिस्कस कर रहे हैं वो इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर है। तो इफ़ स्टेटमेंट में भी लगभग हमने 13 से 14 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है इक्वलिटी चेक करने का। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें कमेंट में, तो यहाँ पे मैंने कमेंट बनाया हुआ कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक इंटर्ड नंबर इज इक्वल, अर्थात दो नंबर यहाँ पे यूजर से लिए जाएंगे और उन दोनों नंबर के बीच में इक्वलिटी चेक कराई जाएगी कि क्या दोनों नंबर जो हैं वो बराबर हैं या फिर नहीं बराबर हैं। तो इसी प्रोग्राम्स को हमको बनाना है। तो चलिए सबसे पहले कर क्या लेते हैं, यूजर से दो नंबर इनपुट करा लेते हैं। तो मैं ए नाम का एक वेरिएबल बना लिया हूँ और यहाँ से इंट में मैं दे देता हूँ और मैंने मैसेज दे दिया इंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे यूजर क्या करेगा, पहला नंबर इनपुट करेगा। उसी तरीके से बी नाम का एक वेरिएबल बना करके इसमें भी हम सेकेंड नंबर इनपुट करवा लेते हैं। तो मैंने मैसेज दिया इंटर सेकेंड नंबर। तो अब यहाँ पे हमको तुलना करवाना है कि क्या दोनों नंबर बराबर हैं या नहीं। तो जैसे एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया इफ़ ए इज इक्वल इक्वल बी। यहाँ पे आपको जब कंपेरिजन करना होता है तो जो ऑपरेटर आपको यूज करना होता है इक्वल वाला, दो बार आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल इक्वल यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इस तरीके से कर दूंगा तो ए इक्वल बी, तो इसका मतलब ये होगा कि बी की वैल्यू ए में असाइन हो जाएगी, अर्थात ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है। और जबकि अगर हम ए इक्वल इक्वल बी करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो तुलना करने का काम होगा कि ए और बी के बीच में यहाँ पे तुलना की जाएगी। तो ये प्रोग्राम्स हमको यहाँ से बनाने हैं। तो ये प्रोग्राम्स हम यहाँ पे बना दिए हैं। अब मैसेज सिर्फ लिख देंगे यहाँ पे कि बोथ नंबर इज इक्वल। तो मैंने लिख दिया कि बोथ नंबर इज इक्वल। अब यहाँ पे दोनों नंबर जो इक्वल हैं, तो मैंने मैसेज को देने के बाद यहाँ पर मैं इसको रन करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने दिया 10 और फिर से मैंने दिया 10। तो यहाँ पे देखिए क्या मैसेज दे रहा है कि बोथ नंबर इज इक्वल। तो अब अगर हम चाहते हैं कि दोनों नंबर अगर इक्वल नहीं हो तो भी मैसेज प्रिंट हो, अगर इस कंडीशन में हम चेक करवाएंगे तो देखिए वह मैसेज हमको प्रिंट होकर के नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ जो कंडीशन लगाई है वह लगाई हुई है इक्वल की कंडीशन में कि अगर दोनों बराबर होंगे तब यह मैसेज प्रिंट होगा। तो हम चाहते हैं जब बराबर ना रहें तो भी प्रिंट हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे लगाएंगे इफ़ ए नॉट इक्वल बी। अब अगर ए जो है वो बी के बराबर नहीं होता है तो हम मैसेज क्या करेंगे कि बोथ नंबर इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे कि दोनों नंबर जो है इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हम रन करवाते हैं। यहाँ पे मैंने दिया 10 और यहाँ पे मैंने दिया 15। तो मैसेज क्या दिया कि बोथ नंबर इज नॉट इक्वल, तो दोनों नंबर बराबर नहीं हैं। तो इस तरीके से आप इक्वलिटी का प्रोग्राम्स यहाँ बना सकते हैं पाइथन में इसके माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही प्रोग्राम्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ बेल आइकन को भी नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।